अस्सलाम वालेकुम देसी किचन व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं माश की दाल और ये बहुत ही इजी और बहुत ही मज़ेदार होती है। इसके लिए ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें और ये इसमें हम थोड़ा सा देसी घी डाल लेंगे ऑयल में। मैं इसे ऑयल में बना रही हूँ, अगर आपने देसी घी में ही बनाना है तो इट्स अप टू यू। और इसके लिए सबसे पहले हमें थोड़े से प्याज चाहिए, उसको थोड़े से ये यानी कि एक प्याज मैंने लिया है छोटा, इसको हम ब्राउन करेंगे। ये हमारा प्याज है, ये ब्राउन हो रहे हैं, बिल्कुल हल्के से ब्राउन करना है हमने। और इसके साथ हमने भिगो के जो है उसकी दाल रख दी है, धो के और भिगो के ये तकरीबन हाफ एन आवर आप रख दो। वन आवर इज़ मोर लाइक इट्स मोर लाइक इट विल कम आउट वेरी गुड, बट हाफ एन आवर इज़ ऑल्सो ओके। सो ये रहा इंग्रेडिएंट्स, अब हम वेट कर रहे हैं इसको ब्राउन होने में। ये अब अपने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, जैसे ये हल्के से ब्राउन हो गए। अच्छा, ये थोड़े से ज़्यादा ब्राउन हो गए हैं, लेकिन आपने जो है इसको हल्के ब्राउन में डालना है। और आई थिंक आई नीड मोर अदरक लहसुन पेस्ट। ओके, ये ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है और 1 1/4 आप डाल लो। जैसे ही ब्राउन होगा तो आपने ये सब डाल देना है। इसमें 1 टीस्पून जो है लाल मिर्च है, 1 1/2 टीस्पून जो है नमक है। इस वक्त नमक बाद में डालते हैं बिल्कुल, लेकिन मैं जो हूँ वो साथ ही डाल देती हूँ, कभी जो है बाद में भी डालती हूँ। तो हल्दी डाली है इसमें, हल्दी ऑलमोस्ट 1/2 टीस्पून है। मैं अपने से फ्राई होने देना और साथ ही टमाटर डाल देना है अपने, टमाटर ऑलमोस्ट 3 टमाटर है। इसको ज़रा हाई फ्लेम में इसको टमाटरों को अच्छे से भूनना है। ओके, अब आपने क्या करना है, इसमें मैंने बड़ी बड़ी मिर्च लेके इसको इसमें डाल दिया। अच्छा, हमारे घर में मिर्चें ज़रा कम खाई जाती हैं, इसलिए मैं बड़ी वाली यूज़ करती हूँ, लेकिन अगर आपको पसंद है तो वो तीखी वाली जो छोटी मिर्च होती है उसको आप डाल के 2-3 डाल दें उसके छोटी वाली, तो जैसे अकॉर्डिंग टू योर हाउस होल्ड टेस्ट कैन एडजस्ट। इसी तरह लाल मिर्च और जीरा भी हमने डाला है इसमें, और इसमें हम अब डालेंगे साबुत जीरा। अच्छा, ये मैंने साबुत जीरा डाला है 1 टीस्पून, और जो ये दाल है वो मैंने 1 1/2 कप यूज़ किया, और ये साबुत जीरा इसमें डाला है, साथ को भुना हुआ पिसा हुआ भी डालो और अच्छा साबुत डालो। अच्छा, इसमें तो काली मिर्चें भी डालूंगी, हमारे हमें काली मिर्चें डालना है, तो आपने जो ऐड या स्किप करना हो इसमें ऐड तो नहीं मैं कहूँगी, इसमें अगर कुछ स्किप करना हो जो आपको नहीं पसंद है तो बात कर सकते हैं।
अच्छा मैं लेट हो गई, मुझे जो है ना यदि हम लोग चोल चलाते तो यहाँ पे तो ये हमने कैंडल जला दिया ताकि तो सारी स्मेल है खाने की पूरे घर में नहीं जाए। यहाँ पे क्योंकि घर बिल्कुल बंद हो थी और अब हमने इसमें दाल डाल दी। थोड़ा सा फ्लेम में को टचअप के लिए आप जो है उसको दोबारा इसका जो है ना लगाएंगे थोड़ी सी डालने के बाद में ना हरी मिर्च में तो भून लें जरा 2 मिनट। अच्छा ये आपने थोड़ा सा इसको भून लिया 2 मिनट और अब जो है हम इसमें 1 कप पानी डाल देंगे। ढक के रख देंगे। इस पर बहुत एहतियात करनी पड़ती है क्योंकि आप पहले कम पानी डालो क्योंकि ये 1.5 कप है ना, तो मैंने 1 कप डाला है इसमें। अब इसको हम पकाएंगे आखिर तो ये हमारी सफिशेंट नहीं हुई तो हम इसमें हाफ से थोड़ा कम डाल के फिर देखेंगे, 1/4 डाल के देखेंगे फिर वो, क्योंकि एकदम जब गल जाती है इसको ऐसे ही खिले खिले होना चाहिए। और अगर आपको इसको और कलर डालना है थोड़ा सा, आपको लग रहा है थोड़ा ज़्यादा वाइट है तो आप इसमें वो डाल लें, हल्दी और डाल लें। लेकिन आई थिंक इट्स परफेक्टली ऑल राइट। और इसको ढक के रख लेंगे आहिस्ता करके। अच्छा जी अब मैं इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल रही हूँ, आप चाहें तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं। काली मिर्च डाल दी और अब हम इसको ढक के ऑलमोस्ट 15 मिनट्स के लिए रख देंगे। ठीक है पहले मैंने 5 मिनट्स बाद जो है काली मिर्च डाली है, 15 मिनट्स के लिए ढक के रख देंगे।